हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। आज आपको फिजिक्स का आगे वाला टॉपिक बता रही हूँ, जो हम सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। तो देखिए, जैसे कि मैंने हेडिंग में लिख रखा है इलेक्ट्रिक मोटर, तो सिंपल सा ध्यान रखिए, इस पे जो क्वेश्चन जनरेट होता है उनमें एक टाइप ये भी होता है कि इस डिवाइस के लिए पूछते हैं कि ये क्या करता है। तो ध्यान रखिए, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी, इन शॉर्ट इसे डीसी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर आप ध्यान रखिए कहाँ कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक फैन में होता है, वॉशिंग मशीन्स में होता है, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर एंड ग्राइंडर एंड इलेक्ट्रिक कार्स एटसेट्रा। तो इन सारी जगह पे क्या है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। सिंपल सा ध्यान रखिए, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वर्ड अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप ध्यान रखिए, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज लीड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशन। तो हमने यहाँ पे जो बेस बनाया हुआ है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज द बेस फॉर जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें, गैल्वेनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। जैसे सिंपल आपने एमीटर पढ़ा है, तो एमीटर को हम बोलते हैं करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एमीटर इज कॉल्ड करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और गैल्वेनोमीटर को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल कैसे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आप एक वायर लगा दो, इस वायर को हम शंट बोलते हैं। शंट का लिटरली मीनिंग होता है स्मॉल रेजिस्टेंस। अगर आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वायर लगा दो तो उसको शंट बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज योर अमीटर। लेकिन अभी मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। सिंपल सा देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर अगर आपसे कोई पूछता है तो व्हाट इज दिस, इट इज अ मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट को हम जनरल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर इसमें कीवर्ड की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, दैट इज वन इज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इन शॉर्ट इसे एसी बोलते हैं, एसी जनरेटर, एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर इज कॉल्ड डीसी जनरेटर्स। द फिनोमेना विच इज मेड यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कीवर्ड है जो आप ध्यान रखिएगा, कीवर्ड न्यूमेरिक आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अगर कभी भी आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फाइंड आउट करनी है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। और अगर आपसे कहा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो आप जो रूल यूज करोगे दैट इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट मस्ट बी क्लोज। वेरिएशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। जो हैशटैग पॉइंट है, ये आपके छोटे क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्मल पावर स्टेशन यूजली लोकेटेड नियर अ रिवर। ये क्वेश्चन आपसे कंसेप्चुअल में अक्सर पूछा जाता है। तो सिंपल सा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट है टू ऑब्टेन वाटर फॉर मेकिंग स्टीम फॉर टर्निंग टर्बाइन्स एंड फॉर कूलिंग स्पैंट स्टीम फॉर कंडेंसेशन इट बैक इनटू द हॉट वाटर फॉर मेकिंग फ्रेश स्ट्रीम। फ्रेश स्ट्रीम की जरूरत होती है, इसीलिए हम थर्मल पावर स्टेशन यूजली नियर अ रिवर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ यू होल्ड अ कॉइल ऑफ अ वायर नेक्स्ट टू अ मैग्नेट,
मीन्स सिंपल सा देखिए, अगर आपके पास ये बार मैग्नेट है, यहाँ पर इसका नॉर्थ, यहाँ पर साउथ है, और आपने यहाँ पे करंट कैरिंग वायर को होल्ड अप किया हुआ है। ये जो कॉइल का शेप है वो आपका हॉर्सशू टाइप भी हो सकता है। अगर ये वाला है यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ है, और आपने यहाँ पर वायर को होल्ड किया हुआ है, तो आप सिंपल सा देखो, इफ यू होल्ड अ कॉइल एंड अ वायर नेक्स्ट टू अ मैग्नेट, नो करंट विल फ्लो इन द कॉइल। मीन्स सिंपल, अगर आप होल्ड करोगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज मोशन ऑफ द मैग्नेट इन टू द कॉइल एंड आउट ऑफ द कॉइल इज नेसेसरी। मीन्स रिलेटिव मोशन इज नेसेसरी, रिलेटिव मोशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी एक का मोशन होना जरूरी है या रिले वेरिएशन होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिए, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, जीरो वर्ड्स मीन्स नो चेंज। डायरेक्ट करंट अगर आप सिंपल प्लॉट करोगे तो ये रहेगा यहाँ पर टाइम और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स यहाँ पे वैल्यू ऑफ द करंट फिक्स रहती है, और अगर मैं अल्टरनेटिंग की बात करूं तो हमारे पास ये फॉर्मेट रहता है, यहाँ पर आपके पास टाइम है और यहाँ पे वैल्यू ऑफ द करंट है, और इन इंडिया इसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज है। इसे इन शॉर्ट 50 साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं। अ पोर्टेबल रेडियो हैज अ बिल्ट इन ट्रांसफॉर्मर सो दैट इट कैन वर्क फ्रॉम द मेन्स इंस्टेड ऑफ बैटरी। ये छोटा सा क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है, अ पोर्टेबल रेडियो हैज अ बिल्ट इन ट्रांसफॉर्मर सो दैट इट कैन वर्क फ्रॉम द मेन्स इंस्टेड ऑफ बैटरी, यानी हम इसे मेन्स से काम करा रहे हैं बैटरी के प्लेस में। तो आप ध्यान रखिए, जिसमें ट्रांसफॉर्मर इनबिल्ट किया गया है वो स्टेप डाउन है, और उसका रोल होता है विच रिड्यूस द वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर के लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज बता रही हूँ। हमारे पास दो कॉइल है, एक ये है, यहाँ पर एयर कोर के लिए बनाते हैं। अगर ये स्टेप डाउन है तो ध्यान रखिए ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है। कैसे पता चलता है? इसे आप सोर्स से कनेक्ट करोगे। ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी में वर्क करता है, ये एसी मेन से आपका। अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी में कम होते हैं, यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन के लिए कोई चीज यूज कर सकते हो, तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन है। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी। और अगर मैं यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट क्रिएट कर दूं, और इसको मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं एसी मेंस कनेक्ट कर दूं तो, और ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो आप ध्यान रखिए ये स्टेप अप होगा। स्टेप अप की खास बात होती है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, टर्न्स इन प्राइमरी। तो मैं आपको फिर से बोलूंगी, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, वीडियोस को पूरा पूरा वॉच आउट कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करिए। अगर अभी तक भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो वन बाय वन जो वीडियो है उन्हें देखिए, और डेली उतना ही टाइम दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।